बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक कमाल के वॉइस आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कई इंग्लिश और हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। उन्हें साल 2014 में आई फिल्म में हम हैं लाजवाब के लिए बेस्ट चाइल्ड वॉइस डबिंग आर्टिस्ट मेल के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपको बता दें, फिल्म द लायन किंग में सिम्बा के कैरेक्टर में हिंदी वॉइस आर्यन की है। आर्यन खान फिल्मों में एक्टिंग से ज्यादा फिल्म मेकिंग में रुचि रखते हैं। आपको बता दें कि आर्यन खान को फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के बचपन के किरदार में देखा गया है, जिसके बाद साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म कभी अलविदा ना कहना में भी आर्यन खान का एक बचपन का सीन है। आपको बता दें, साल 2010 में उन्होंने महाराष्ट्र टाइकांडो कॉम्पिटिशन में ब्लैक बेल्ट में गोल्ड मेडल जीता था। आर्यन खान के विवाद की बात करें तो किंग खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप में चल रही पार्टी में छापेमारी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया था। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान के पास से उन्हें ड्रग बरामद हुए हैं और वह उन्हें रंगे हाथ पकड़े हैं। आपको बता दें, अदालत से एनसीबी ने आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद अब आर्यन खान को 7 दिन तक जमानत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान के विषय में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और इसी तरह के फिल्मी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।